हाय एवरीवन, आज हम बनाएंगे सोया बिरयानी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, इसमें हम डालेंगे आधा कप दही, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, 2 चम्मच बिरयानी मसाला डाल देंगे, आधा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। अगर आपके पास बिरयानी मसाला नहीं है तो आप यहाँ पर 1 चम्मच गरम मसाला डाल सकते हैं और 1 चम्मच नमक डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें डाल देंगे 2 हरी मिर्च। हरी मिर्च को हमने बीच से लंबे आकारों में काट लिया है। थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे और थोड़ा सा पुदीना पत्ता डाल देंगे। अब इसमें डाल देंगे सोयाबीन। यहाँ पे हमने 1 कप सोयाबीन लिया है। सोयाबीन को हमने गर्म पानी में 5 से 10 मिनट के लिए डाल करके छोड़ दिया था। देखिए अब ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। सोयाबीन को हमने 2-3 पानी से अच्छी तरह से धो लिया था। अब हम सोयाबीन में से पानी निचोड़ देंगे और सोयाबीन को इसमें डाल देंगे। अब इसमें डाल देंगे 1 बारीक कटा हुआ टमाटर, 1 आलू डाल देंगे। आलू को हमने छीलकर टुकड़ों में काट लिया है। थोड़ा सा पनीर डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तब तक के लिए इसे हम साइड में रख देंगे। गैस पर हमने कुकर चढ़ा दिया है। अब इसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच तेल। तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तो अब तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है तो अब इसमें डाल देंगे प्याज। यहाँ पे हमने 2 प्याज लिया है। प्याज को हमने इस तरह से काट लिया है। इसमें डाल देंगे। गैस यहाँ पर मीडियम कर देंगे और प्याज को ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो देखिए प्याज ब्राउन हो चुका है तो अब इसे निकाल लेंगे। इसमें तेल है ही तो इसमें हम तेल नहीं डालेंगे। इसमें हम 1 से 1.5 चम्मच घी डाल देंगे। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जीरा, 3 से 4 छोटी इलायची, 4 से 5 लौंग डाल देंगे, 4 से 5 छोटे छोटे दालचीनी के टुकड़े डाल देंगे और 1 से 2 तेजपत्ता डाल देंगे। अब इसे धीमी आंच पे 30 सेकंड के लिए भून लेंगे। अब इसमें डाल देंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज। इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम आंच पे भून लेंगे। तो अब 3 मिनट हो चुके हैं तो अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे अच्छी तरह से मिला देंगे और इसे भी हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो अब 2 मिनट हो चुके हैं तो अब इसमें डाल देंगे मैरिनेट की हुई सब्जियाँ। इसे अच्छी तरह से मिला देंगे और इसे फुल आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। तो अब 2 से 3 मिनट हो चुके हैं तो अब इसे अच्छी तरह से फैला देंगे। इस तरह से चारों तरफ फैला देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे चावल। हमने 1 कप चावल लिया है। चावल को 2-3 पानी से अच्छी तरह से धो करके चावल को 1/2 घंटे के लिए पानी में भिगो करके रख दिया था। गैस यहाँ पर धीमी कर देंगे। अब हम चावल में से पानी निकाल देंगे और चावल को हम इसमें अच्छी तरह से फैला करके इसमें डाल देंगे। चारों तरफ अच्छी तरह से फैला देंगे। थोड़ा सा नमक डाल देंगे, थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे, थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे
और थोड़ा सा पुदीना डाल देंगे। अब इसमें डाल देंगे फ्राई किया हुआ प्याज, चारों तरफ फैला करके डाल देंगे। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा फूड कलर, फूड कलर को हमने थोड़ा सा दूध में डालकर घोल लिया है, इसके ऊपर डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल भी सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे 2 से 3 चम्मच घी। अब इसमें हम डाल देंगे 1.5 कप पानी। अब इसे ढक देंगे और ढक करके मीडियम आंच पर इसमें 2 सीटी लगने देंगे। तो अब 2 सीटी लग चुके हैं, तो अब गैस यहाँ पर धीमी कर देंगे और धीमी आंच पर इसे हम 7 से 8 मिनट के लिए पकने देंगे। तो अब 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, तो अब गैस बंद कर देंगे और कुकर को अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। तो अब कुकर अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसका ढक्कन खोल लेंगे। देखिए कितनी अच्छी बिरयानी बनी है। तो अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। कितनी खिली खिली बिरयानी बनी है। तो आप भी अपने घर पर इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।